नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, राम की नगरी अयोध्या में। इस बार का दीपोत्सव बहुत ही खास है, रामलला अपने राम मंदिर में विराजमान है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार अयोध्या वासी मिलकर ये दीपोत्सव किस तरह से मना रहे हैं और उनके मन में क्या भावनाएं हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? कैमरा थोड़ा डॉक्टर योगेंद्र कुमार से साकेत पीजी कॉलेज। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत जबरदस्त उत्साह का माहौल है मैडम, और सभी बच्चे और तमाम स्कूलों और कॉलेजेस के अध्यापक और टीचर्स सबको राम की पैड़ी को सजाने के लिए लगाया गया है। इस बार बहुत ज्यादा उत्साह है क्योंकि रामलला इस बार विराजमान है और हम सब उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। वॉलंटियर्स को बताया जा रहा है यहाँ पे दिए लगाने के लिए? वॉलंटियर्स को मैम पहले हम लोगों ने रजिस्टर किया और उसके बाद जो है उनको अपने कॉलेज में ही ट्रेनिंग दी और उनको बताया कि किस तरह से कितनी संख्या में कॉलेज किस तरह से दियो को अरेंज करना है, और बच्चे बहुत उत्साह और बहुत जागरूकता के साथ इस काम को कर रहे हैं। इस बार की जो दीपोत्सव है हर साल अयोध्या में मनाया जाता है, तो इस साल के दीपोत्सव में क्या खास देखने? इस बार हम फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार हम दीपों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसलिए बहुत बड़ी तैयारी की गई है। सभी वॉलंटियर्स के लिए खाने पीने की व्यवस्था और हर तरीके का प्रोत्साहन करने की व्यवस्था सरकार ने की। अयोध्या को लेकर के तो सबसे पहले ये है कि अयोध्या जो है वो राम की नगरी है, जैसे सभी जगह से ये कि सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीन अवतार, तो उसी तरीके से है कि जैसे 14 वर्षों के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने सभी लोगों ने एकदम दिव्य दिवाली मनाई। उसी तरीके से ये दिवाली जो है वो सिर्फ अयोध्या की दिवाली नहीं है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में लगातार दिवाली का आयोजन अब होने जा रहा है, तो ये एक तरीके से विश्व की दिवाली है और विश्व के लिए उत्साह का विषय है कि अयोध्या में इस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं और ये बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। लगातार हम सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और लगातार लगातार दीपों की संख्या में लगातार वृद्धि होते जा रही है। कई सारे वॉलंटियर, कई सारे कॉलेज के लोग इकट्ठा जुट मिला करके सारे लोग इस तरीके से एक यूनिटी का हम परिचय देते हैं कि हम सभी लोग एक साथ जुट हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये दीपोत्सव जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है उसका एक आप हिस्सा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? कितना सौभाग्यशाली अपने आप? सबसे ज्यादा तो मेरे लिए सौभाग्यशाली विषय ये है कि मैं अयोध्या वासी हूँ, मेरी जन्मभूमि भी अयोध्या ही है, तो इससे ज्यादा हर्ष का विषय मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि अयोध्या वासी है, जिस अयोध्या को लेकर के सभी लोगों के मस्तिष्क में एक धारणा बनी हुई है कि हाँ अयोध्या जो है वो बहुत धार्मिकता और उस तरीके का है, तो उसी तरीके से कार्यक्रम है बहुत अच्छा है। और हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम? अंकित जी, ये बताइए जैसे यहाँ पे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो किस तरीके से आप लोग दिए सजा रहे हैं और किस तरह दीपोत्सव के दिन आप लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोग की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये उद्घाटन के बाद का पहला दीपोत्सव है तो इसको तो हमको लार्ज बनाना ही था जितना बना सकते हैं, जितना अभी बनाए ये भी कम है, इससे भी हमको अभी बड़ा आगे बनाएंगे, पर ये इसके लिए हमारे जो है निर्देशक लोग हैं वो हमको निर्देश दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बनाना है, और सारे वॉलंटियर अपनी स्वयं सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम अरविंद तिवारी। अयोध्या में ये जो दीपोत्सव का आयोजन है तो किस तरीके से इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से वॉलंटियर्स को इसके लिए तैयार किया जाए, क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड बनाना, इस बार दियो की भी संख्या ज्यादा की गई है और घाटों की भी संख्या ज्यादा की है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी निश्चित रूप से, चूँकि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो जब लक्ष्य बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, और विभिन्न विभिन्न स्तरों पर तमाम प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे सावधान रहते हुए, और इस बार का जो उत्साह है वो एक तो विश्व रिकॉर्ड जो बनाना है कि नहीं वर्ल्ड बुक छुपानी होती है उसका जो रिकॉर्ड बनाना है उसके परिप्रेक्ष्य में है। दूसरी चीज़ ये है कि लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला जी का वनवास तो 14 वर्ष का था, लेकिन त्रिपाल और तंबू से निकल करके प्रभु राम जो राजा राम हैं जो मर्यादित हैं वो अपने गर्भगृह में अपने महल में पहुँच चुके हैं। 22 जनवरी को ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे विश्व ने देखा, रामलला सरकार हमारे अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, तो इस बार जो लक्ष्य हमको बड़ा दिया गया है वो हमारा जो लक्ष्य है 25 लाख का है, और उसके परिप्रेक्ष्य में उसको ध्यान में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र रहा हूँ, और भूतपूर्व छात्र रहा हूँ तो 2017 जब से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से लेकर के आज तक जो कई प्रकार की समितियां बनती हैं विश्वविद्यालय में, जैसे कि सामग्री वितरण समिति, यातायात समिति,
और भोजन नियंत्रण तमाम प्रकार की समितियां हैं। तो सामग्री वितरण समिति का मैंने उसमें प्रतिभाग किया है और उसके तहत हम लोग ये तय करते हैं कि कौन से घाट पे, जैसे इस बार 55 घाट बनाए हैं, तो 55 घाट पे किसी पे जगह कम है, किसी पे जगह ज़्यादा है, तो उस जगह के हिसाब से जो हमारी मार्किंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, इधर दिखा दीजिए, जैसे जिस तरीके से हमारी मार्किंग हुई है, इस मार्किंग के हिसाब से जियो का पैटर्न तय होता है कि लगाना कैसे है और दीपों की संख्या निकाली जाती है। उसके लिए बाकायदा जो है ग्राउंड लेवल पे काम करके हम एक खाका तैयार करते हैं और उस खाके के तहत हर घाट पर हम लोग जो है दियो को लगाते हैं और उसी के क्रम में 55 घाट इस बार बनाए गए हैं और 55 घाटों पर अलग अलग संख्या में दिए उतारे गए हैं और लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 80-90% घाटों पर दिए बिछाने का काम पूर्ण भी हो चुका है। अब दिए बिछाने के बाद हमारा दूसरा टास्क शुरू होता है, वो इनमें तेल डालने का और बाती लगाने का शुरू होता है। तो दियो में तेल डालने का काम जो है हम लोग को संभवतः परसों सुबह से प्रारंभ कर देंगे क्योंकि शाम का प्रोग्राम होता है 6 बजे के लगभग का, और उसके बाद जो हमारे स्वयंसेवक होते हैं वो उनकी सहायता से हम जो है इसमें बाती लगा करके और दीपों को प्रज्वलित करने का काम करते हैं और इस तरीके से हमारी तैयारी है। और स्वयंसेवक हमारे जो है वो इस बार बहुत उत्साहित दिख रहे हैं और उत्साहित क्यों दिख रहे हैं क्योंकि 500 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है राजा राम हमारे अपने मित्र दिखाए आप लोग इधर आते हैं थोड़ा और हमारे साथ और भी लोग हैं जो हमें दीपोत्सव के बारे में बताएंगे। मेरा नाम सत्यम पटेल है, की बार यहाँ का दीपोत्सव कार्यक्रम का मेरा पहली बार है, पहला है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। काफी टाइम से यहाँ पे दीपोत्सव पिछले 4-5 सालों से हो रहा है, कभी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और हम भी रहने वाले यहीं के हैं, कहते हैं यहाँ पे राजा दशरथ जी को उन्होंने बाढ़ मारा था, वो यहाँ पर उनको श्राप मिला था श्रवण क्षेत्र, तो हमारा घर वहीं पे पड़ता है, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं लेकिन अयोध्या के ही रहने वाले हैं, तो पहली बार है इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है और राम मंदिर का निर्माण होने के कारण और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्साइटमेंट है और हम लोगों को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है कि आप लोग अच्छे से जो है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इस वक्त अयोध्या, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, एक अयोध्या वासी होने के नाते आप जो देश भर की नज़र, विश्व भर की नज़र अयोध्या पे है दिवाली को लेकर, तो आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और अयोध्या की जो तैयारियाँ हो रही हैं उसको देख के आपको कैसा महसूस? 6 सालों के बाद भगवान राम का यहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें, क्या चाहे हमारे पड़ोसी देश हो, चाहे जो हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, सबकी निगाहें हमारे देश पर ही टिकी हुई हैं। हमारा जो मंदिर का निर्माण उद्घाटन होने के बाद जो ये दिवाली होने वाला है, तो ये पे जो है क्या चीज़ें कैसे क्या होंगी, किस तरह से ये भव्य होगा, तो इसी के लिए जो हमारे यहाँ पे शुभ कार्य कर रहे हैं ताकि हम आने जो हमारा दीपोत्सव होगा उसको सम्पन्न करने के लिए जो है काफ़ी मेहनत से, ताकि उसको हम पूरे विश्व लेवल पर एक अच्छे से उसको मुकाम तक पहुँचा सकें। आपका भी पहला दीपोत्सव है, तो क्या एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर और ये दीपोत्सव सिर्फ अयोध्या का ही नहीं पूरे विश्व का अब एक आयोजन हो गया, दूर दूर से लोग इसमें हिस्सा लेने आए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो रामनगरी यहाँ खड़े हुई है, यहाँ आयोजन होता आ रहा है, तो किस तरह का ये यहाँ उत्सव के बारे में आप? हाँ, धूप तक की नाम डिस्ट्रिक्ट 500 सालों के बाद लगभग हमारे प्रभु श्री राम जी गर्भ में विराजमान हो गए। अभी तक का जितना दीपोत्सव मनाया गया उसमें से ये वाला दीपोत्सव सबसे भव्य और दिव्य होने जा रहा है। अभी तक का जो भी दीपोत्सव हुआ उससे सीख लेते हुए हम लोगों ने इसको भव्य और दिव्य बनाने का सोचा हुआ, और अब हमारे जैसे भाई ने बताया और मीनाक्षी जी ने बताया कि जो दिया लगाने का कार्यक्रम हो रहा है या जो भी वॉलंटियर तय किए गए, हमें साकेत विद्यालय से मतलब बीएड डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो सबको नियुक्त किया गया है कि ये सब दिया लगाए और कैसे क्या करना है, पूरे कार्यक्रम सफल बनाने के लिए पूरा प्रोग्राम अच्छे से कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स जिन्होंने बताया कि उनका ये पहला दीपोत्सव है
और इस वक्त दीपोत्सव को लेके अयोध्या में बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं। 55 घाटों पे लगातार दिए बिछाने का काम किया जा चुका है, ये पहला दिन है। दूसरे दिन तेलों को डालने का काम किया जाएगा और बातियों को उनमें रखने का काम किया जाएगा। और 30 अक्टूबर को अयोध्या में एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा, 25 लाख दियों का टारगेट है इस बार। अयोध्या से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए साक्षी श्रीवास्तव की।